रेडी। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में लोगों का ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। आखिर पता चलता है गांवों से कि गांव में कितना विकास हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम काराकाट विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के डेहरी में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक व्यक्ति। क्या नाम है जी आपका? हिमांशु कुमार। अच्छा, इस बार आप किनको वोट दे रहे हैं? देखिए, हम वोट किसी को नहीं दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात, मोदी जी या राहुल जी? मोदी जी, राहुल जी। क्या इसके वीर भोगे वसुंधरा या धरती वीरों से खाली है क्या? इसके अलावा धरती पर प्रत्याशी नहीं। लोग कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। कहाँ मोदी है तो मुमकिन है? मोदी है तो क्या मुमकिन है? मणिपुर वाला घटना हाँ। कि 5 किलो खाली अनाज। अच्छा, 5 किलो अनाज दे रहे हैं ना? आप जानते हैं कहाँ पर है? डेहरी में है। अच्छा। और डेहरी से वंदे भारत मोदी जी की चली जाती है लेकिन रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती है? डेहरी से ज्यादा रेवेन्यू देता है क्या? नहीं। अरे मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी राम भगवान को लाए हैं। मोदी जी राम भगवान को लाए हैं कहते हैं। राम भगवान आज राम मोदी जी लाए हैं आज राम बताइएगा। मोदी जी का प्रवक्ता मत बनिए, बता देते। मोदी प्रवक्ता नहीं है। अरे मोदी जी, सुनिए, पत्रकार है तो पत्रकारिता कीजिए, मोदी जी का चाटुकारिता मत कीजिए। मोदी जी राम को लाए हैं। मोदी जी कहते हैं हम राम को लाए हैं। अजब हाल है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सर्वत्र है। भगवान को कौन ला सकता है जी? भगवान मोदी जी को ला सकते हैं, राम मोदी जी को ला सकते हैं। मोदी जी को कैसे, राम जी को कैसे मोदी जलाएंगे? राम भगवान जो है 500 वर्षों से कैद थे झोपड़ी में, उनको महल में लाया गया। अच्छा, तो फिर कैसा के सुप्रीम कोर्ट था? सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर बना है कि मोदी जी के हस्ताक्षर से बना है? मोदी जी हमने फैसला दिलवाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है कि मोदी जी के हस्ताक्षर से बना है, हमको बताइए। अरे सुप्रीम कोर्ट के फैसला से बना है तो फिर मोदी जी कैसे लाए भैया? और तो कह रहे हैं, डंका पीट रहे हैं कि हम राम मंदिर बनवा दिए, ये करवा दिए, वो करवा दिए। कलकत्ता है भारत का राजधानी? कलकत्ता है नहीं है? हाँ? अच्छा। भारत की राजधानी सिंगापुर है। मोदी जी से इतना नाराज कहाँ है? मोदी से हम नाराज कहाँ है? मोदी जी से आपको लव है? आपको लव नहीं है? अरे हमको लव नहीं है? देखिए जो बात कह रहे हैं, नहीं सुनिए, आपको मोदिया बिंद हो गया है। आपको मोतिया बिंद रहता तो हम इलाजो करा देते, आपको तो मोदिया बिंद हो गया है। मोदिया बिंद की बात नहीं, मोदी जी जो कहते हैं हम वही कह रहे हैं आपको कि मोदी जी ने कहा है कि हम राम को लाए हैं, तो राम को लाने वाला को वोट दीजिएगा या फिर राम को विरोध करने वाला को वोट दीजिएगा? हम राम को वोट देंगे। राम को वोट देंगे? हम राम को वोट देंगे। मतलब बीजेपी का आदमी? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी का आदमी है? नहीं बीजेपी का आदमी। हम राम को वोट देंगे, समझते हैं? नहीं, जो बीजेपी का है। राम का कौन है? राम का मतलब जानते क्या हो गया है? इस धरती पे, इस धरती पे मेरा बात सुनिए, आप बातों को पहले नहीं सुनते। यही मोदी जी के मीडिया में यही गलती है। आप लोग मोदी मीडिया है। कैसे मोदी मीडिया है? तो मोदी कर रहे हैं। किसी को कह दीजिए मोदी मीडिया है। मोदी कर रहे हैं। आप काराकाट के धरती पे, आपको राजा राम कहा नहीं याद आया? नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं, और प्रयास प्रत्याशी MIM लड़ रहा है, आपको वो कहा नहीं याद आया? खाली मोदी जी याद आते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? कितना पैसा लिए हैं? प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? पैसा का बात मत कीजिए। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनना चाहिए। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बना जो भारी महफिल में कहते, भारी विधानसभा में कहते हैं कि इधर गिराओ उधर ढुकाओ। अच्छा, आपको पता है नीतीश कुमार के, जिस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, आज अगर बिहार में शराबबंदी करने का जो कानून लाया है ना, कम से कम खुलेआम लोग शराब नहीं पी रहा है, वो नीतीश कुमार के शराब पी के मर तो रहा है ना। आपका सुनिए, आपके मोदी की गारंटी फेल हो सकता है, मेरे नीतीश की गारंटी एकदम है तो है। नीतीश की गारंटी नंबर 1, बिहार में शराबबंदी। अब नहीं पालन, अब जहर पी के रहा, जहर पी के मर ना जा, जहर पी के तू मर जा। शराबबंदी है कहां? शराबबंदी? अरे भाई, जहर पी के रहा है, शराबबंदी कहां है? फेनाइल पी के मर जाइए, पत्रकारिता छोड़ दीजिए। शराब कहाँ बंद है? शराब कहाँ बंद है? आपके नहीं मिलता है? भट्टी में? आपके नहीं मिलता? आपके यहाँ भट्टी में मिलता है? नहीं लगा, आपके नहीं मिलता है? लगा के शराब नहीं मिलता आपके यहाँ? जहर नहीं मिलता है? अच्छा, फेनाइल के गोली नहीं मिलता है? कि शराब सबको खाता है? तो शराब सबको पीता है? सबको पी रहा है? आप पीते हैं? नहीं, हम नहीं पीते तो सब पी के मर रहा है ना? सब किसे पी के मर रहा है? वही मर रहा है जिसको छूट नहीं रहा है, समझिए। गरीब समझ चुका है, जो गरीब अब शराब 300 रुपए सबको के सुने थे, जो गरीब 300 रुपए का शराब पीता था ना पत्रकार महोदय, आज उस गरीब से पूछ लीजिएगा, उसके घर में उसके कॉपी या किताब आ रहा है बच्चों का, और डर उन लोगों का हो रहा है जिन लोगों को डर हो रहा है कि अब गरीबों का लड़कवा पढ़ेगा, गरीबों का लड़कवा आगे बढ़ेगा, तू अपना हकवा मांगेगा, क्योंकि 70 साल से अधिक इस देश को हो गया, तब पर भी गरीब 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 चांद पर पहुंच गया देश, लेकिन गरीबी कहां से कहां इसका स्कोर बढ़ता ही जा रहा है। गरीबों का राजनीति जारी है। वाह भाई, प्रधानमंत्री की उम्र कितना है? प्रधानमंत्री का उम्र कितना है? 72-73। अग्निवीर में खत्म होने की उम्र हमको बताइए। 4 साल? 4 साल मतलब कितना साल में रिटायर हो जा रहा है अग्निवीर? मतलब 16-4-20 में। 16-4-20 में आए जी। जिस देश के प्रधानमंत्री का उम्र 73 साल है, वो हाथ जोड़ के कहता है कि हमें एक बार मौका दो। जो अग्निवीर का युवा जो संघर्ष का नौकरिया ले रहा है, उसको 23 साल में हटा दे रहे हैं, उसके अंदर का मतलब एनर्जी खत्म हो गया क्या?
वो नहीं लड़ेगा देश के लिए। 73 साल में लड़ सकते हैं लेकिन देश का युवा 23 साल में खराब हो जा रहा है आपके लिए। करे कि दूसरा को मौका मिलेगा, मौका मिलेगा तो वही तो हम चाह रहे हैं। माननीय मोदी जी 2 साल रह गए, नीतीश चाचा को बनाइए ना प्रधानमंत्री। सबको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। नीतीश गांधी जी से ज्यादा क्वालिटी मेरे नीतीश चाचा में है। नीतीश चाचा बिहार से है, जब बिहार भारत को पहला राष्ट्रपति दे सकता है तो बिहार इस संकट के घड़ी में बिहार से प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता है। नीतीश जी ने जब हमारी गांव की बच्चियां नहीं निकलती थी ना, सबको साइकिल देने का काम जानते हैं नीतीश चाचा ने किया है। आज बिहार में लड़कियां जो पढ़ रही है ना, मैट्रिक पर 10,000, इंटर पर 25,000, बीए पर 50,000, सात निश्चय योजना के तहत 4.5 लाख रुपए ले लेके बच्चा लोग जा जाकर दिल्ली या पटना पढ़ रहा है। नीतीश जी से सुनिए, जहाँ गाँव में लाइट वाला नहीं पहुंचता था झाऊ जबानवा में, आज जाकर गाँव में झाँक लीजिए 24 घंटा वाला लाइन रहता है। नीतीश चाचा का देन है, रोड मिला ना नीतीश चाचा का देन है। सुनिए शांति रहिए, कूल डाउन कूल डाउन, शांति कूल कर रहे हैं, शांति रहिए। हमारा तो यहाँ एयर कंडीशन से उतरते हैं हम। मोदी जी कैसे, पहले आप मेरा बात सुनिए ना, मैं ऐसे पैसा रख लीजिएगा आप तो नहीं चश्मा लगा करके ऐसे ऐसे बढ़िया से जरा इस क्षेत्र को देखिए कि नीतीश चाचा ने क्या किया है। आप लोग के सामने तो मोतियाबिंद का पट्टी है, मोतियाबिंद के अलावा आप लोग को कुछ नजर नहीं आता है। पत्रकार बताइए नीतीश से बढ़िया, नीतीश कुमार से बढ़िया, पहले मेरा बात सुनिए, नीतीश कुमार से बढ़िया राहुल गांधी है। कैसे राहुल गांधी क्यों नहीं प्रधानमंत्री? कैसे कैसे पा राहुल गांधी 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है, ठीक है? 70 साल में इतना सस्ता, सुनिए एक सेकंड, हमारे दादा पत्रकार महोदय, हमारे दादा हाथी रखते थे, हम पगा लेके घूमे, देखो यही पगा हवा है, बहुत ही ऐतिहासिक पगा है, मेरे दादा यही लेके घुमा करते थे, यही देखा है हम। नहीं राहुल गांधी के जमाना में कितना सस्ता हर चीज मिलता था, लेकिन अब मोदी के जमाना में हर चीज महंगा हो गया है, तो राहुल गांधी क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? देखिए ऐसा नहीं कि देखिए मोदी जी का हम यह कह रहे हैं कि मोदी जी का विकास से हमारा कोई लेना देना नहीं है ना, उनका विरोध है। मोदी जी को 10 साल हो गया, वहां पर नीतीश चाचा को लाया जाए, हम यही चाहते हैं। नीतीश जी पर अभी तक देखिए नीतीश जी वास्तव में विकास पुरुष हैं, और जब जब नीतीश जी को जो जो कहता है ना पलटू, उसको समझा दीजिएगा पलटू। नीतीश पलटू है तो सुनिए, नीतीश जी पलटू नहीं है ऐसा, भारत को कोई भारत का, सुनिए पहले मेरा बात, मेरे सरकार महोदय आप सहा नहीं, पहले मेरे बात सुनिए, मेरा बात सुनिए पहले, भारत का कोई ऐसा नेता नहीं है जो 9 बार नहीं पलटा होगा। 9 बार कौन पलटा है? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाँ जी, कहाँ पलटे बताइए, वो पलटी हमेशा पलटी मारते हैं, कैसे बताइए, साल भर पर, कभी 6 महीना पर, कभी 2 साल पर। अच्छा अच्छा, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए क्या? नहीं, गृह मंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के लिए पलटी मारते हैं? मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री तो वही है, आपको सीटवा पलटी मारा है। भाजपा को माना काहे नहीं करते हैं, आरजेडी को काहे नहीं माना करते कि मत ले जाइए? नीतीश चाचा तो जहाँ थे पहले भी आरजेडी की सरकार में भी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की भी सरकार में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री तो वही है। अच्छा, मुख्यमंत्री वही है, मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश चाचा को हटाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। नीतीश चाचा लिख लीजिएगा आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी नहीं बनेंगे, राहुल गांधी नहीं बनेंगे, और मोदी जी नहीं बनेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि मोदी जी और राहुल गांधी बने, इस देश का बागडोर नीतीश चाचा। अच्छा, मोदी जी से क्या दिक्कत है आपको? हमको मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं आपके? अग्निवीर वाला 4 साल में रिटायर हो जा रहा है तो 10 साल में मोदी जी रिटायर हो जाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भैया? चलिए चलिए, इधर भी लोग हैं, प्रधानमंत्री कैसे चाहिए? समर्थक है ना, ना भैया, प्रधानमंत्री कैसे चाहिए? ना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री कैसे चाहिए बोलिए ना भाई, प्रधानमंत्री भाई जाओ तू ही बतिया, प्रधानमंत्री कैसे चाहिए? जैसे आप बताइए इनको, इनका कहना है कि मोदी जी ने, मतलब है हम मोदी जी के कांग्रेस जी राहुल गांधी राहुल गांधी बढ़िया निकल रहा है। हम कहते हैं कि नीतीश चाचा के ले आओ, हां नीतीश को लाओ, लाओ कुमार के, हां जी लाओ, ठीक रहे भैया इधर, हां आप प्रधानमंत्री कैसे चाहिए? नीतीश कुमार ठीक रहेंगे, नीतीश कुमार एकदम। ये महाराज दारू के चलते जगह कितना बहुत बढ़िया है भैया, दारू बंद है तो जो आदमी खाना पीना ढंग से खा भी रहा है, हाँ अब पीने वाला आदमी को कौन मना कर सकता है भाई? भैया गांजा हो सबको पियाने लगा, नीतीश कुमार दारू बंद कर दिया, भैया सब का पिएगा लड़का न्यूयॉर्क। अच्छा गांजा पीजिएगा, पीजिएगा गांजा सब जगह बिक रहा है तो कौन नहीं पिएगा? गांजा बिक रहा है, दारू नहीं बिकता है, नीतीश कुमार खुलेआम गांजा बेचवा रहा है, दारू नहीं बिकता है, दारू भी होम डिलीवरी होता है दारू। जिस दुकान पर मिल रहा था नीतीश कुमार बैठे थे का? नीतीश कुमार को बोले थे कि जाइए, सुनिए नीतीश कुमार के प्रचारक है का, स्टार प्रचारक है, प्रचारक के बाद जो सच्चाई है, सच्चाई को छिपा नहीं सकते आप, सच्चाई है कि दशहरा मिलता है बिहार में, गांजा मिलता है बिहार में। अरे भैया तो नीतीश जी बोले हैं कि दारू घर घर बेचो, काहे नहीं, हाँ काहे नहीं बोले हैं, सब चारों तरफ बॉर्डर सील करवा दे नीतीश कुमार, काहे नहीं करेंगे? आइएगा जाइए, कैसे नहीं सील करवा के चेक करें, सील से चल जाएगा, नहीं चेक हो रहा है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है, नहीं गलत बात, अंधभक्त नहीं चाहिए हमको, अंधभक्त आप हैं, नहीं अंधभक्त आप हैं, आप नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं क्यों? आप लोग मोदी जी के पैर में नहीं पकड़े हैं? मोदी जी को हम कह रहे हैं कहाँ, हम कह रहे हैं उससे बढ़िया राहुल गांधी है, राहुल गांधी को सबसे बढ़िया नीतीश कुमार लग रहे हैं। नीतीश कुमार पर कोई FIR है? नहीं है।
राहुल गांधी पर क्या का कोई मतलब ना, राहुल गांधी पर क्या है? कोई मतलब है ऐसा कोई? राहुल गांधी पर भी कुछ नहीं है, राहुल गांधी से सीनियर है नीतीश जी, राहुल गांधी से सीनियर है, समय दीजिए उनको। कहीं से पढ़े लिखे इटली के पढ़े लिख करके राहुल गांधी जी आए हैं, इनसे ज्यादा काबिलियत उनमें है ना, जानते हैं हमारे नीतीश चाचा इंजीनियर हम जब नट टाइट फिलन की ना इंजीनियर है ये पुलवा जो है ना ये पुलवा ढह गया उनका राज में ढाल है पुलवाई। अच्छा वही इंजीनियर की बात कर रहे हैं आप? इनका वही नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं जिस पुल पर हम खड़े हैं ये पुल पीछे बीच टूटा हुआ है और उस नीतीश कुमार का ही तारीफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार आके इसको छेनिया तोड़ते तोड़ रहे थे और आप फोटो खींच रहे हैं, कमीशन वाले रहे ना नीतीश कुमार, कमीशन वाले थे तो कैसे बनेगा? कुमार तोड़ रहे थे और आप देख रहे थे गिरते हुए तो देखे थे हम लोग। अच्छा तोड़ते हुए नीतीश कुमार आपको नजर नहीं आया जब रिन चलुहा पिलास लिए होंगे तोड़ रहे होंगे? सच्चाई बोलिए, सच्चाई है कि नहीं कि नीतीश कुमार के राज में पुल था? हाल है बना किसके राज में है? उसी के राज में बना। आपको नीतीश कुमार का विकास नजर नहीं आता है? क्या विकास बताइए? विकास हमने तुम्हारे 72 को विकास गिना दिया। बोलिए ना आप, बोलिए। आपको पता है नीतीश कुमार के सरकार में जो शिक्षा की हालत बदली है ना? अच्छा। आप उससे पहले का जांच कर लीजिएगा। अच्छा। आपको नहीं पता, समय के साथ सब कुछ बदलता है, पता है आपको? है तो मोदी जी को बदलिए ना भैया, 10 साल समय नहीं आपको लगता है जी? हमको बदलने से होगा, आप जिस आदमी बदलिए, आप जैसा एक तरफ मोदी जी का विरोध करते हैं दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहते हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे, दोनों एक ही पार्टी में है, दोनों एक ही पार्टी में है, एनडीए गठबंधन में है, गठबंधन में है ना? हाँ तो हम तो वह तो करें बनवाइए ना प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। हाँ जी, वो लायक व्यक्ति हैं, लायक व्यक्ति हैं, नायक व्यक्ति हैं, और नीतीश जी विकास पुरुष हैं। अच्छा। बिहार के नेता हैं और बिहार का व्यक्ति जब भारत के संचालित करने के लिए प्रधानमंत्री सीट पर जब बैठेगा ना तब फिर देखिएगा भारत जो है सच में सोने के चिड़िया बन जाएगा। नहीं, आप नीतीश कुमार के अंधभक्ति में पागल हैं, उनसे कहीं अच्छा राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं जो कि देश को चलाते, बहुत बड़े विकास की ओर ले जाते, लेकिन उनको नहीं चुन रहे हैं आप, नीतीश कुमार चुन रहे हैं। कौन हिसाब से नीतीश कुमार? वही राहुल गांधी है क्या जो अटवा को लीटर में तोलते हैं? क्यों आडू गाड़ी है, जो जवान से सोना निकलते हैं? नहीं, जवान है फिसल जाता है। अच्छा, नहीं जो आलू उलू से सोना उना बना रहे हैं आपके? नीतीश कुमार क्या पता है क्या बोले? क्या बोले हैं? भरी सदन में बोले थे पता है कि बाहर नहीं अंदर गिराओ, अंदर नहीं बाहर गिराओ। अच्छा, तो उस देखिए आप लोग यही चीज आप बोलते हैं, काय नहीं बोल रहे महोदय, आपको शर्म आता है जानते हैं? शर्म किस बात का? सुन लीजिए किस बात का, वही चीज अगर आपको इंग्लिशवा में कह दिया जाए ना आप ही तलिया पिटिएगा। आए आए आए, जानते हैं वो चीजवा अगर आम भाषा में कह दिया, अगर एक देखिए हम आपको बुरा मत मानिएगा, चैनल के माध्यम से हमको नहीं कहना चाहिए, अगर आपको हम कहते हैं ना कि जानते हैं, अगर लड़का से अगर जाएगा किसी लड़का से कहिए कितना काबिलियत है आप उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे? नीतीश कुमार एक एजुकेटेड पर्सन है, उन्होंने बिहार को विकास दिया है, विकास पुरुष कहलाते हैं, और वो भारत को एक बहुत लंबी राह तक विशेष राज का दर्जा नहीं दिलवा सके नीतीश कुमार, 15 सालों से राज कर रहे हैं। कर रहा था आप, आपका मोदी 10 साल था, तुमको नहीं देना चाहिए, आप मांगना आपका काम है, मांगना आपका काम है, मांगना आपका काम है, मांगना आपका काम है, नीतीश कुमार मांगेंगे तब नहीं देंगे, नहीं मांगे, नहीं मांगे हैं, नहीं मांगे हैं। पवन सिंह चाहता नहीं कि बिहार विकास करे, सुनिए, वो चाहता नहीं कि बिहार विकास करे। आप यही ना कहते हैं, बिना डाटा का चिल्लाने लगते हैं, मोदी जी पैसा दे देंगे, लगेंगे आप लोग चिल्लाने लगेंगे, कैमरा लेके चिल्लाने। सुनिए, मोदी जी पैसा दे रहे हैं, जो पवन सिंह जो चुनौवा लड़ रहे हैं ना, जो पवन सिंह नवरात्रि के समय था, पवन सिंह ने एक गाना गाया था, यही पवन सिंह नीतीश कुमार के, बिहार के मिलत नहीं के विशेष राज्य के दर्जा हो मैया, उसमें नीतीश कुमार को मेंशन किया गया था, तो नीतीश कुमार वहां से दर्जा मांग रहा है, अब न देने वाला इसीलिए न कह रहे हैं जी। आप बिहारी हैं कि नहीं महाराज? आप तो बिहार बिहारी हैं, बिहारी अंधभक्ति नहीं चाहिए हमको, अंधभक्ति नहीं, तो इनको मतलब लाज शर्म नहीं है, अंधभक्ति नहीं चाहिए, अंधभक्ति नहीं बढ़ाइएगा, अंधभक्ति नहीं चाहिए। बिहार से एक नेता एक बेटा को भेजिए देश चलाने के लिए, जो वो देश चला देगा ना तो वहां से अडानी अंबानी पैसा लेके फरार होने वाला नहीं पैदा करेगा, और यहाँ अंधभक्ति नहीं चलेगी, यहाँ पर बिहार से भेजिए। और वो भी कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार ही नहीं, अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप जाइए, अगर उसके अंदर क्वालिटी है तो हो जाएगा, लेकिन मेरा सब बात का एक बात है, आप कहने प्रधानमंत्री बनते हैं? हाँ, बिहार का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आप कहने बन जाते हैं? उम्र हो जाएगा ना, उस दिन रोक के दिखा लीजिएगा।
चलिए ये अंधभक्ति है, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी अच्छा पढ़े लिखे हैं, पत्रकार महोदय फिर पलट दिए बिहार का। अच्छा भाई बाबू अंदर पढ़ाई लिखाई हुआ बनना चाहते प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, आप बनिएगा, सत्ता आपके बाप का है, नहीं संविधान से देश चलाइएगा, संविधान से देश चलता है, आप बैठ गए कि नहीं यही बनेगा, मठ है का स्वामी लोग का मठ है कि जाके चदरा दे दिए, ये देश हमारा है और ये देश इन गरीबों का है, यहाँ के लोगों का है, यहाँ के हर एक जाति के लोग, यहाँ के हर एक जाति के लोग, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल वासियों का यह देश है। अगर सोचिएगा कि हम अपना बलडमरू बजा के जुमला शायरी मार के देश को चला लें तो देश की जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली है, उखाड़ के फेंक देगी यहाँ से, उधिया के चल जाइएगा। चलिए ये अंधभक्ति का कोई ठिकाना नहीं है, इनका अंधभक्ति सातवें आसमान पर है, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, कभी हो ही सकता है, आजीवन नहीं होगा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी हम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।